हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। २०२२ में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हर कोई दल चुनाव में अपने अपने मुद्दे भुनाने की जुगत में लग गया है। चुनाव से पहले बयानों की बयार आनी शुरू हो गई है। हर कोई अपने बयानों में विपक्षी दल को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी सपा के अलावा अब सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। देखिए, देश में दो तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में बीजेपी के लोग गोकसी की बात करते हैं, यही बीजेपी के लोग जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जबान बंद हो जाती है। दो तरह का सिस्टम देश में। मोहन भागवत जी इस बयान को क्यों कहे हैं? जितने बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता, या तो अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी मुसलमान से किए हैं, तो DNA तो अब मिलेगा। लेकिन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित को भकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लड़ा करके वोट की बात की जाती है। ये बात अब आम जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अब इस नाते ये अब हिंदू मुसलमान को एक करके वोट लेने के चक्कर में है। ओपी राजभर ने गुजरात को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में गुजरातियों का कब्जा है। उन्होंने ये तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर से लेकर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, CBI, RBI और कॉरपोरेट सब गुजरातियों के मुट्ठी में है। अब बीजेपी के पास CBI गुजरातियों की मुट्ठी में है, ED गुजरातियों के मुट्ठी में है, RBI गुजरातियों के मुट्ठी में है, वहाँ से पैसा निकालेंगे तो सब गुजरातियों के कब्जे में है। अरे हमसे काहे नहीं पूछताछ करते हैं? दम हो तो हमसे करें। अब मर्द हो बीजेपी के लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया नार्को टेस्ट का। पहले ओम प्रकाश का, राजभर का करा लो, दूसरे नंबर पर करा दो योगी का, करा दो अखिलेश मायावती का, मोदी का, सबका कराओ नार्को टेस्ट। ये बीजेपी पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, CBI का चीफ गुजराती, ED का चीफ गुजराती, RBI का चीफ गुजराती, गृहमंत्री गुजराती, वित्त मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, कॉरपोरेट घराने के सब गुजराती, बड़े बड़े ठीका पट्टा करने वाले गुजराती, देश बेचने वाले गुजराती, देश खरीदने वाले गुजराती, देश का पैसा लेके भागने वाले गुजराती। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे देश को ही गुजरातियों की मुट्ठी में बता दिया। वही RSS प्रमुख मोहन भागवत के DNA वाले बयान पर भी OP राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि RSS भी ये कोशिशों में लग गया है 2022 के चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी समर्थन मिले। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं सभी मुसलमानों के यहाँ उनके बेटों से शादी किए हैं, अब तो DNA मिलेगा ही। दिक्कत तब होगी जब, जैसे अभी चला रहे हैं ना, एक योगी जी का चल रहा है ना धर्मांतरण वाला कानून, क्या ये कानून प्रवीण तोगड़िया को लागू होगा, मुरली मनोहर जोशी को लागू होगा, आडवाणी को लागू होगा, कि खाली धरातल पे ही चिल्लाएंगे? ये पहले वहाँ लागू कर लें। ओवैसी जी ने कहा है कि RSS के जो मुस्लिम वोट बैंक भी बीजेपी के पक्ष में हो जाए। इतना ही नहीं, राजभर ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं को गौमांस व्यापारी भी बता दिया। देखिए, उनका बयान जो है, सरकार ने गौकसी के लिए लाइसेंस दे रखा है और जितने लाइसेंस बड़े बड़े लिए हैं सब हिंदू हैं और सब बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के नेता हैं, उनको तो मांस चाहिए। लाइसेंस तो उनका भैंस का है, भैंस के मांस के सप्लाई का। अब वो उसी में जब ये गाय और बछड़े की कटाई होती है तो विवाद होता है उसमें। इसी बात को तो वो कह रहे हैं कि अभी ऐसे लोगों को समझदारी नहीं है कि लाइसेंस किस चीज का दिया गया है, झगड़ा किस बात का हो रहा है। बहरहाल, चुनाव आने में अभी वक्त है। राजनीति में अपनी पहचान और कद बढ़ाने के लिए बीजेपी के खिलाफ बोलने वाले राजभर बयानों की रेस में ओपी राजभर भी आगे ही रहना चाहते हैं। अब देखना होगा कि 2022 में ओपी राजभर खुद को कितना साबित कर पाते हैं।